छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को बेंगलुरु दौरे पर रहे, जहां सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक चुनाव को लेकर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दो दिनों से कर्नाटक में प्रचार चुनाव कर रहे हैं, जिस पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत सीएम ने कहा, पूर्वोत्तर जल रहा है, सैनिक मर रहे हैं, लेकिन पीएम कुछ नहीं बोल रहे हैं। कर्नाटक के लोगों के हित में वे क्या करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं है, वे सिर्फ प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है, जिस पर जीत हासिल करने सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंक दी है, और ये इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश से आता हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो वादे हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया था, आदरणीय राहुल जी ने वहां किया था, वो हम लोगों ने पूरा किया। चाहे किसानों की ऋण माफी की बात हो, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी की बात हो, वो सारे वादे हमने घंटे भर, दो घंटे के भीतर हमने शुरुआत कर दी। और ये गृह ज्योति योजना 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में हमने 400 यूनिट बिजली का आधा किया है, मतलब साफ है कि 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री है। और अभी तक के जो 42 लाख परिवार को जो बिजली कनेक्शन मिला है और उनको हमने सब्सिडी दी है, उसमें 3,200 करोड़ से अधिक की राशि अभी तक के राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी हमने दे दिया है। इसका मतलब ये है कि हम पहले कर चुके हैं, वही वादा आपको कर्नाटक में कर रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।